बैंक की लचर व्यवस्था की खबर जीएन भारत में प्रमुखता से दिखाने के बाद मुख्य प्रबंधक डॉक्टर नीरज कुमार चतुर्वेदी और वरिष्ठ प्रबंधक राहुल कुमार घाघरा बैंक पहुंचे। बैंक के खाताधारियों ने समस्या सुनी और बैंक के मैनेजर और कर्मचारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैसे ही अधिकारी बैंक के पास अपना वाहन खड़ा किए, बैंक के नीचे लाइन पर खड़े महिलाओं ने अधिकारियों को घेर लिया और अपनी समस्या सुनाने लगे, जिस पर अधिकारी महिलाओं के साथ जमीन पर बैठकर महिलाओं की समस्या सुनी। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि बैंक में अनावश्यक परेशान किया जाता है, 5-5 दिन तक लगातार आने के बावजूद भी पैसा निकासी नहीं होती है, पासबुक अप टू डेट नहीं होता है और ना ही आधार लिंक का काम होता है, किसी भी तरह से बैंक में हम लोगों का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैंक कर्मचारियों के द्वारा हमें घुमाया जाता है, कोई भी कर्मचारी हम खाताधारियों से सीधे मुंह बात नहीं करते, हम सभी से गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है। इस दौरान प्रखंड मुख्यालय के प्रतिष्ठित व्यवसायियों ने भी आकर अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी। व्यवसायियों ने कहा कि RTGS करने के लिए कई बार बैंक आना पड़ता है, जिसके बावजूद भी काम नहीं होता, अनावश्यक परेशानी का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है, हम व्यवसाय करें या बैंक में ड्यूटी करें हमें समझ नहीं आता। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बैंक में मुंह देखकर काम किया जाता है, बड़े रसूखदार और बड़े लोगों का काम आसानी से बैंक के अधिकारी कर देते हैं और हम ग्रामीण महीनों तक बैंक का चक्कर काटते रहते हैं। यहाँ बता दें कि बैंक के अंदर भीड़ हो जाने से कई बार वृद्ध महिला और पुरुष बेहोश होकर गिर जाते हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों के समक्ष ये भी बताया कि बैंक के कर्मचारी कहते हैं कि बैंक में पासबुक नहीं है और बैंक के बिचौलिए 100-200 रुपए लेकर पासबुक छाप कर लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं। सभी की समस्या को सुनने के बाद नीरज चतुर्वेदी ने कहा कि सबकी समस्या का समाधान होगा। उन्होंने बैंक के मैनेजर को एक ग्राहक सेवा समिति बनाने की बात कही, जिसमें प्रत्येक गांव के जागरूक व्यक्ति को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़कर रखने की बात कही गई है, ताकि बैंक के टेक्निकल समस्या की जानकारी तुरंत ग्रुप में साझा करें, जिसके माध्यम से गांव के लोगों को टेक्निकल समस्या की जानकारी हो और वो बैंक आकर ना लौटे। हम लोग का बैंक का जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर हम लोग का है, बार बार मतलब एक जगह से दो जगह से तीन जगह, 4-5 जगह तो घूमते, 2-3 घंटा बीतता है, फिर टाइम लॉस होकर हम लोग का बैंक चल जाता है। तो व्यवस्था ठीक कीजिए, बैंक का व्यवस्था ठीक रहेगा तो सब काम होगा, व्यवस्था ठीक नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है। 3-4 दिन आदमी आके समय देगा यहाँ पर, तो अपना पैसा को निकालने के लिए। देखिए, ग्राहकों की समस्या को पहले इस तरह से समझिए कि बैंक जो है वो एक संस्था है, कोई मतलब एक संस्था जिसे आप एक स्कूल भी ले लें। स्कूल में भी क्या होता है कि एक निश्चित सीट होती है हर क्लास में, कि 40 सीट है भाई, और 40 सीट पे एक टीचर दिया जाएगा। अब ये जो चीज़ डिसाइड होती है, ये ऊपरी लेवल पर डिसाइड होती है, या प्रधान कार्यालय या सरकार जो भी डिसाइड करती है, क्योंकि हम लोग सरकारी बैंक हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारे यहाँ पे डिसाइडेड है कि इस शाखा में मान लीजिए 100 करोड़ का बिजनेस है, तो इतना स्टाफ देना है। अब ये किस चीज़ से डिसाइड हो रहा है? अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।